हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान की किचन रेसिपी। आज मैं अपनी रेसिपी में लाई हूँ आप सबके लिए मार्केट जैसी। आप घर पर मोमो चटनी कैसे बनाएं, तीखी चटपटी लाल मोमो चटनी की रेसिपी आप सभी को मैं बताऊंगी। हमने ले ली है सूखी लाल मिर्ची, साबुत मिर्ची है, कुछ लहसुन की कलियाँ, पके हुए 4-5 टमाटर, नींबू का रस और नमक। अब हम सबको एक बर्तन में पानी रख के गर्म कर लिया है और इन सबको अच्छे से बॉईल करेंगे। आपको ना लाल मिर्ची ज़्यादा लेनी है और टमाटर आप कम रख सकते हैं। अब ना इनको अच्छे से तोड़ के इन लाल मिर्चियों को इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो बाद में भी तोड़ सकते हैं। अब लहसुन की कलियाँ डाल देंगे हम। हमने एक या दो लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और आप एक या आधा चम्मच नमक भी डाल दें इसमें और अच्छे से इसको बॉयल होने दें। हम इसको 5-10 मिनट की ढककर रख देंगे। अब ढककर इसको अच्छे से बॉयल होने दो। अब 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मिर्ची का रंग भी पर चेंज हो गया, यानी पक चुकी है और टमाटर भी हमारे पक गए हैं। अब ना एक टमाटर को निकाल कर देखेंगे, अगर इसका छिलका निकल रहा है तो हमारे टमाटर पक चुके हैं। तो आप एक टमाटर को देख सकते हैं, देखिए इसका छिलका बहुत आसानी से निकल रहा है। तो हमारे टमाटर और मिर्ची जो भी इसमें हमने डाला था वो सब कुछ पक चुका है। हम वो गैस को बंद कर देंगे। इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे। अब हम जो पीसी हुई चटनी है उसका तड़का लगाएंगे। तो हमने गैस पर कढ़ाई रखी, ऑयल डाला और हम इसमें हमने आधा चम्मच जीरा डाला और हम इस पीसी हुई चटनी को इसमें डाल देंगे। हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें 1-2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और अच्छे से चलाएंगे, 5-10 मिनट तक इसे पकने तक छोड़ देंगे। 5-10 मिनट आप इसे अच्छे से पकने दो, इससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम एक नींबू का रस डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारी चटनी का कलर कितना चेंज हो गया है, बिल्कुल तीखी चटपटी चटनी लग रही है। अब हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। मार्केट जैसी घर पर मोमो चटनी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन गई। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। चटनी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आई होप आप सबको मेरी चटनी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप घर पर एक बार ज़रूर से ट्राई करें, आपको ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।